लेकिन सैलरी कितनी है इसमें? रेंज दे देता हूँ आपको, मैं ऑफिसर साइड का ही बताता हूँ, आप उससे थर्ड ऑफिसर जो बेसिकली ज्वाइन करते हैं, नहीं जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप एक डेक कैडेट होते हैं, उस समय आपको स्टाइपेंड मिलती है, उसको सैलरी नहीं कह सकते हैं, तो 500 टू 800 डॉलर के बीच में वो सैलरी होती है, वो भी ग्रेट है। हाँ मतलब स्टार्टिंग में अगर आप 19 साल के लड़के हो जो शिप पे गए हो तो 500 टू 800 डॉलर इज नॉट लेस, तो 18 महीने तक जो आपकी ट्रेनिंग चलती है तो वो सैलरी मिल रही होती है। जब आप थर्ड ऑफिसर बनते हैं एग्जाम्स क्लियर करके, उस समय आपकी सैलरी जो है अगर जूनियर ऑफिसर हो तो छोड़ के, नॉर्मली अगर थर्ड ऑफिसर बन गए तो 2 लाख के आसपास होती है, और सेकंड ऑफिसर में 2.5 लाख से लेके 4 लाख के बीच में सैलरी वेरी करती है, चीफ मेट में ऐसे ही 4 लाख से लेके, डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, मैं आपको बताता हूँ, पर चीफ मेट में डिपेंड करती है सैलरी कुछ 4-4.5 लाख से लेके 7-8 लाख तक जाती है, देन कैप्टन में 8 लाख से लेके 7 लाख से लेके 12 लाख तक 11-12 लाख तक जाती है। इसमें फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन से टाइप के शिप पे हो।